हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दी सब्जेक्ट मास्टर्स। तो बच्चों आज हम करेंगे जो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर टू हम कर रहे हैं उसकी बिल्कुल लास्ट वीडियो, उस चैप्टर की लास्ट वीडियो जो कि है। अब हम बात करने वाले हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और जेंडर गैप। जेंडर गैप मतलब कि जो मेल एंड फीमेल के बीच में जो एम्प्लॉयमेंट का जो गैप है वो, ठीक है। अब ये क्या है, कैसे होता है, ये अब हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए तो बेसिकली अब हम लोग ने ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर ली और हमने देखा है कि तीन तरह की अनएम्प्लॉयमेंट होती है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो अब जो है हम लोग बात करने वाले हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में। नाउ एक चीज़ जो कि हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं उससे काफ़ी हद तक कम है। मतलब ठीक है, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिसमें कि और भी कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जैसे कि जापान, स्विट्ज़रलैंड, मेक्सिको, जर्मनी, पोलैंड एट्सेट्रा, लिथुएनिया, कनाडा, ठीक है। बट बहुत सारे और भी ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनका कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया से ज़्यादा है। तो इंडिया का एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो कि हमेशा होता है, ऑन एन एवरेज जो कि हमेशा आपको मिलेगा कि इतने परसेंट लेबर फोर्स जो है या वर्क फोर्स जो है वो काम ढूंढ रही है, तो ऑलमोस्ट 7% जो है एक नेचुरल हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, तो जो कि वर्ल्ड के एवरेज से काफ़ी कम है। नाउ द क्वेश्चन इज कि आखिर ऐसा क्यों है। वो बेटा इसलिए है क्योंकि इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है, जो एवरेज इनकम है, वो आज भी बहुत ज़्यादा कम है। इंडिया जो है पर कैपिटा इनकम के टर्म्स में, भले ही जीडीपी के टर्म में हम लोग इस वक्त वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है, टोटल जीडीपी के टर्म पे, बट एवरेज हर इंसान की इनकम जो कि पर कैपिटा इनकम होती है उसमें जो है हम काफ़ी नीचे हैं और ऑलमोस्ट लाइक 138th इकोनॉमी है वर्ल्ड की। तो 138 या 137th अगर इकोनॉमी है हम वर्ल्ड की, तो इससे पता चलता है कि हमारी पर कैपिटा इनकम ऑन एवरेज हर इंसान की इनकम कितनी कम है। तो इतनी कम इनकम पे किसी भी इंसान के लिए अनएम्प्लॉयड रहना बहुत लंबे समय तक पॉसिबल नहीं है। इसीलिए चाहे वो जितना मर्जी क्वालिफाइड हो या नहीं हो, वो जो है जैसी मर्जी नौकरी जो है लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिससे कि उनका जो है एक बेसिक मिनिमम खर्चा या बेसिक मिनिमम इनकम जो है उनको मिलती रहे। तो उसके लिए वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में भी एंटर करते हैं, जैसे कि पर्टिकुलरली इन एग्रीकल्चर सेक्टर। चाहे मालूम है कि वहाँ पे कुछ एडिशनल वो ज़्यादा कुछ आउटपुट ऐड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके आने से बहुत सारे और दूसरे लोगों का काम जो है कम हो जाता है, जैसे कि सारे के सारे मेंबर्स ऑफ अ फैमिली मिलकर एक ही फार्म पे काम कर रहे हैं, या फिर वो कोई बहुत लो मीनियल जॉब्स ले लेते हैं अगर इवन इफ वो उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो है सूट नहीं करता। इनफैक्ट मैंने कई वीडियोज़ भी देखी हैं जहाँ पर कि कई बार आता है कि कोई ना कोई पर्टिकुलर स्टेट है वहाँ पे, जैसे बिहार वगैरह के गांव में या कहीं पे कि कोई इंसान है जिसको कि नौकरी नहीं मिली, तो वो ग्रेजुएट होने के बाद भी से रिक्शा चला रहा है या कोई फल सब्जी बेच रहा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो होती रहती हैं, या फिर वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब अपना कोई छोटा मोटा जो है रोज़गार जो है वो शुरू कर लेता है टू सस्टेन अ लिविंग, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होती क्या है। बेटा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बेसिकली उनको कहते हैं जो कि किसी दूसरे के अंडर नहीं बल्कि अपने लिए ही काम करते हैं, जो कि जिसको कि कहते हैं ओन अकाउंट वर्कर्स, ठीक है। तो ये बेसिकली अपना खुद का एक रोज़गार खोल लेते हैं। इनके पास या तो ज़ीरो से फ्यू हेल्पर्स होते हैं या एम्प्लॉयज़ होते हैं, मतलब या तो कोई भी नहीं होता, अगर बहुत ही छोटे स्केल पे है तो कोई भी नहीं होता। तो इसमें जो है बहुत सारे आ जाते हैं आपके, जैसे कि आपका जो है रिक्शा पुलर हो गया, या ऐसे कोई सब्जी की रेडी लेके बेच रहा है, हो सकता है कोई छोटा मोटा उसके साथ कोई हेल्पर हो, नहीं तो वो खुद ही करते हैं। कि अगर उनके पास कोई ज़्यादा इनकम का साधन ही नहीं है तो वो किसी और दूसरे को जो है सैलरी कैसे देंगे, ठीक है ना। तो एक या तो कोई भी उनके पास हेल्पर नहीं होता, या फिर कोई एक आध छोटा मोटा कोई उनके पास हेल्पर होता है, ठीक है। तो दिस इज़ नोन एज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और ये बहुत ज़्यादा कॉमन है बेसिकली प्राइमरी सेक्टर में, जैसे कि फार्मिंग में। फार्मिंग में यूजुअली जो है आप अपने ही खेत पे काम करते हो, किसी दूसरे के खेत पे नहीं, या बहुत सारी जो अलाइड एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि डेयरी है, जैसे कि सेरीकल्चर है, बी कीपिंग है वगैरह वगैरह।
या फिर लो वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग का मतलब बेटा हमेशा जो है ना कैचअप बनाना नहीं होता, मतलब टमाटो कैचअप बनाना नहीं होता, मतलब कि जैसे कि साइड में या गोलगप्पे का ठेला लगा लिया, या समोसे का ठेला लगा लिया, टिक्की चाट का ठेला लगा लिया, आजकल तो पिज्ज़ा भी मिलने लग गए हैं, ठीक है ना, या कोई जो है बहुत छोटा मोटा जो है हैंडीक्राफ्ट्स जो है वो काम शुरू कर लिया। तो वो जो है ये जो है दीज आर ऑल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो कि आप अपने आप कर रहे हो। प्लस लो वैल्यू सर्विसेज जैसे कि गार्बेज कलेक्टिंग है, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, रिक्शा पुलर्स, हॉकर्स, पेंटर्स, ब्लैक स्मिथ्स, कॉबलर्स। कॉबलर्स बेटा मतलब कि मोची, ब्लैक स्मिथ मतलब जो ये लोहार का काम करते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिशियंस हैं, प्लम्बर्स हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं ये सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं जो कि किसी के अंडर काम नहीं करते। नाउ अब इन सब बातों को सुन के तो ऐसा लगता है जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सारे के सारे जो है ना इसी तरह के लोग हैं। नहीं बेटा ऐसा नहीं है, जो है इसमें और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि किराने की दुकान रिटेलर जो होते हैं, बहुत सारे जो है शॉपकीपर्स जो होते हैं सारे के सारे। नॉट जस्ट दैट, इसमें बहुत सारे प्रोफेशनल्स भी आते हैं, स्पेशलिस्ट। एंड आजकल जो है एक स्टार्टअप का जो कल्चर बन गया है कि हर इंसान कुछ ना कुछ शुरू करना चाह रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो इसमें जो है राइटर्स होते हैं, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट होते हैं, प्रोफेशनल्स या पॉटर्स हैं, इसमें एस्ट्रोलॉजर्स, फॉर्च्यून टेलर्स, कार मैकेनिक्स, मेटल वर्कर्स, टीचर्स जो कि से घर पे खुद ही कोचिंग सेंटर अपना खोल लेते हैं, कंसल्टेंट्स जो है, सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट जिनकी की अपनी खुद की फॉर्म है, या किसी ने किराने की दुकान खोल ली। तो दीज आर ऑल कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, ठीक है। तो इसीलिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब बहुत छोटा काम ही होता है ये, अच्छा अगर आप चाहो इसको अच्छी तरह से करो तो ये बहुत लोग जितने भी स्टार्टअप्स हैं ये सारे के सारे ये स्टार्ट हुए थे एज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कि इन्होंने कहा कि हम किसी दूसरे के अंडर नहीं, हम खुद ही अपने लिए काम करेंगे। और अगर हम इंडिया का स्टैटिस्टिक्स देखें, ये जो है ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है 2017-18 का डेटा है जो कि इंडिया डेवलपमेंट रिव्यू में पब्लिश हुआ था, तो इंडिया में लगभग 52% जो वर्कर्स हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आते हैं। मतलब आधे से ज़्यादा वर्कर्स जो हैं सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आते हैं, और बाकी रिमेनिंग जो है किसी दूसरे के अंडर काम करते हैं, और जिसमें कि मैक्सिमम जो कॉन्सेंट्रेशन है वो नॉर्दर्न इंडिया में है। तो स्टेट्स लाइक हिमाचल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यू नो, झारखंड, छत्तीसगढ़, तो ये अरुणाचल प्रदेश, तो ये सारे के सारे जो इलाके हैं नॉर्दर्न इंडिया का जो इलाका है इसमें जो है मैक्सिमम जो है परसेंटेज है सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स की, ठीक है। और इसका जो है बहुत रीज़न जो है वो ऑब्वियसली स्लो ग्रोथ भी है जॉब्स का, बट देन साइमल्टेनियसली जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि बहुत बार इस वजह से भी होता है क्योंकि आपको कोई और नौकरी मिल नहीं रही है, तो इसलिए आप खाली क्यों बैठोगे, तो कुछ तो काम करना ही है, तो आप कुछ ना कुछ काम जो है शुरू कर देते हो, क्योंकि आपके पास कोई नौकरी के लायक अगर कोई स्किल नहीं है तो जो भी आपके काम के लायक जो आप कर सकते हो तो वो जो है लोग शुरू कर देते हैं। और यही रीज़न है जिसकी वजह से इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिलेटिवली लो है, ठीक है। नाउ अब एक जो थोड़ा सा डिप्रेसिंग या डिस्ट्रेसिंग जो बात है वो ये है कि इंडिया में ये ऑब्जर्व करा गया है कि भले ही 52% लोग जो है सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में है, बट उन 52% में से जो जितने भी सेल्फ एम्प्लॉयड है उनमें से लगभग 80% जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं उनकी इनकम 15,000 महीने से भी कम है। नाउ द क्वेश्चन इज कि 15,000 का फिगर हमने क्यों लिया है। बेटा हमने 15,000 का फिगर इसलिए लिया है क्योंकि ये इस वक्त इंडिया की एवरेज पर कैपिटा इनकम है। ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के हिसाब से ये आज इंडिया की एवरेज पर कैपिटा इनकम है। ऑन एन एवरेज अगर हम पूरी जीडीपी को पूरी पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें तो 15,000 का फिगर आता है। तो मतलब ऑन एन एवरेज हर इंसान की इनकम 15,000 है, पर ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं उसमें 80% लोगों की इनकम जो है ये एवरेज पर कैपिटा इनकम जो नेशनल पर कैपिटा इनकम है उससे भी कम आती है, जो कि मतलब बहुत ही दुख वाली बात है। तो ये सारे के सारे वही है, स्ट्रीट हॉकर्स हैं एंड यू नो जो भी आपके रिक्शा पुलर्स वगैरह हैं, या जो सड़क के किनारे कोई रेडी लगा रहे हैं, ठीक है। तो जिसमें कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि 5,000 से कम कमा रहे हैं,
ठीक है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि 50,000 से 1,00,000 कमा रहे, तो ये जो है ऑब्वियसली इस तरह की कैटेगरी के लोग जो हैं बहुत कम है। मैक्सिमम जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जो परसेंटेज आती है वो है 5,000 से महीने के 10,000 रुपए के बीच में, ठीक है। तो ये मैक्सिमम जो लोग हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में 40% जो लोग हैं मैक्सिमम लोग हैं 5,000 से 10,000 रुपए की इनकम है, तो ये जो है थोड़ा सा दुख की बात है। तो अगर आप ये डेटा देखें तो, और ऑब्वियसली इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हमारी जो एम्प्लॉयमेंट की जो ग्रोथ है वो बहुत कम होती जा रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे वर्कर्स जो हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हैं, ठीक है। तो हमारा जो है ये जो ग्रीन लाइन है ये है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो क्योंकि अगर लोगों को बिल्कुल भी नौकरी नहीं मिलती, जबकि ये 5% ही है, ठीक है, तो वर्ल्ड एवरेज से ये अभी भी कम है। तो बट हमारा जो वर्कर्स की अवेलेबिलिटी है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडिया जो है बहुत ही यंग नेशन है, तो बहुत सारे पहले जो बच्चे थे अब वो वर्किंग एज ग्रुप में आते जा रहे हैं, तो वर्कर्स की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, पर एम्प्लॉयमेंट उस स्पीड से नहीं बढ़ रही, जिसकी वजह से जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जो अब ट्रेंड है वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। बेटा जब मैं छोटी थी तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का इतना कॉन्सेप्ट या स्टार्टअप का इतना कॉन्सेप्ट था नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली उस वक्त अधिकतर लोग जो है अधिकतर बच्चे, मतलब अधिकतर जो कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो बच्चों की या चिल्ड्रंस की कैटेगरी में आते थे, नॉट इन द वर्किंग एज ग्रुप, ठीक है। तो अब जो है जैसे जैसे वो बच्चे बड़े होते जा रहे हैं तो अब वो सारे के सारे वर्किंग एज ग्रुप में आते जा रहे हैं, पर अगर जो है हमारी एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ या जॉब ग्रोथ उस स्पीड से नहीं हो पा रही तो अधिकतर लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाना पड़ रहा है। तो कुछ लोग तो इच्छा से जाते हैं जो कि हाईली स्किल्ड होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं हम किसी की अंडर नौकरी नहीं करेंगे, हम अपना खोलेंगे, जैसे कि डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, इंजीनियर्स हैं एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं एंड जो है ना बहुत सारे जो है सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स हैं, पर कुछ लोग मजबूरी से भी जो है सॉफ्टवेयर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है उसमें आते हैं, ठीक है। चलिए नाउ लेट्स रीड दिस। Moreover, the employment structure is characterized by self-employment in the primary sector. Now, mainly जो self-employment है वो primary sector में है. The whole family contributes in the field, even though not everybody is really needed. देखो ये disguised unemployment के बारे में बात कर रहा है कि पूरी की पूरी family जो है मिलकर काम करती है field में, जबकि even though पूरी सबके सबकी ज़रूरत नहीं होती. So there is disguised unemployment in the agriculture sector, but the entire family shares what has been produced. So, पर जितना भी production हो रहा है वो सबके सब मिलके जो है वो share करते हैं, तो जितना भी production हो रहा है सब मिलके जो है उसको खाते हैं, जबकि जो है हर एक की ज़रूरत नहीं भी होती, और उसमें से 3-4 लोग अगर आप निकाल भी दोगे तो भी जो है कोई production पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो पैदावार तो उतनी होएगी पर वो जो divide है वो ज़रूरत से ज़्यादा लोगों में हो रही है। This concept of sharing of work in the field and the produce raised reduces the hardship of unemployment in the rural sector. Now इस वजह से now disguised unemployment का एक benefit ये है कि obviously कुछ ना कुछ तो नौकरी उनको मिल ही रही है, चाहे भले ही मेरा कुछ ना कुछ तो काम मिल रहा है, कम से कम totally खाली नहीं बैठे तो वो एकदम depression की उसमें state में नहीं जा रहे हैं या कुछ गलत काम में नहीं involved है, besides that कुछ ना कुछ छोटी मोटी earning उनको हो रही है, तो इससे जो है थोड़ा सा जो है उनको जो hardship है उससे वो hardship जो है वो reduce हो जाती है, जो उसकी मुश्किलें हैं थोड़ी सी reduce हो जाती हैं। But this does not reduce the poverty of the family. लेकिन इससे जो है family की जो गरीबी है obviously वो ख़त्म नहीं होती. Gradually surplus labor from every household tends to migrate from the village in search of jobs. और धीरे धीरे जो है अब उनको एहसास होता है कि obviously जो है हम सब के सब अगर यहाँ पे काम करते रहेंगे तो किसी की भी तरक्की नहीं हो पाएगी, तो कुछ लोग छोड़ के जो है वो अर्बन एरियाज़ में जो है वो चले जाते हैं फॉर इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इन सर्च ऑफ जॉब्स, ठीक है। एंड बेटा आपको मालूम है अगर आपको जो है मेरा पढ़ाने वाला तरीका बहुत अच्छा लग रहा है, आपको जो है कॉन्सेप्ट ज़्यादा समझ में आ रहा है, तो आप सबको मालूम है आपने क्या करना है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, सो दैट कि आपकी नॉलेज इसी तरह से बढ़ती रहे और आपको इसी तरह से इंपॉर्टेंट इनपुट्स मिलते रहे, डेटा मिलता रहे। बेटा डेटा जो है मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना, बिना उसके जो है ना कुछ भी मतलब नहीं बनता, आप कुछ भी पढ़ते रहिए। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि कहीं कहीं से चुन चुन के जो है आपके लिए डेटा लेकर आऊँ। नाउ अब नेक्स्ट एस्पेक्ट जो हमारे को एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करनी है वो है वुमेन अनएम्प्लॉयमेंट की।
नाउ इसमें जो है हमारे को थोड़ा सा एक ना दुख वाली बात देखने को मिलती है कि इंडिया में जो वुमेन की जो पार्टिसिपेशन है एम्प्लॉयमेंट में वो वर्ल्ड से बहुत कम है, ठीक है, वर्ल्ड एवरेज से बहुत कम है, यहाँ तक कि इंडिया के कंपैरिजन में भी जो इंडिया के लेवल के और जो कंट्रीज़ हैं या इंडिया के जो कॉम्पिटिटिव कंट्रीज़ हैं उनके कंपैरिजन में भी कम है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप चाइना की बात करो तो चाइना में वुमेन एम्प्लॉयमेंट जो है इज़ ऑलमोस्ट लाइक क्लोज टू 75%, ठीक है। ब्राज़ील में अब तो खैर थोड़ा सा कम हुआ है बट इवन दिस इज़ क्लोज टू 65%, ब्राज़ील में दिस इज़ ऑलमोस्ट 60%, इंडोनेशिया एंड साउथ अफ्रीका में इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक 50-55%, बट इंडिया में इट हैज़ बीन नेवर मोर देन 30%। तो अगर हम ये इसको देखें तो ये ऑलमोस्ट जो है 30% के आसपास है और अब जो है वो फॉल करके फर्दर जो है और रिड्यूस हो गई है टू 20%। तो मतलब अधिकतर जो लेडीज़ हैं वो काम नहीं कर रही हैं, वो घर पर ही बैठी हैं, तो विच मीन्स दैट देयर इज़ अ वेस्टेज ऑफ टैलेंट। नाउ अगैन जो है ये चीज़ आप देख सकते हो कि इंडिया में जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है उसमें जो है मेल फीमेल गैप कितना ज़्यादा है, ठीक है ना, एज़ कम्पेयर टू मेल, जहाँ पे कि मेल जो एम्प्लॉयमेंट है या लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है जो कि एम्प्लॉयमेंट जो कि मिली हुई है वो 55% पॉपुलेशन को मिली, 55% लोगों को जेंट्स को मिली हुई है, जबकि जो है फीमेल्स के केस में यही फिगर जो है सिर्फ 17% पे आता है। और सिर्फ लो नहीं है बल्कि एक ट्रेंड जो कि जो नए मिलेनियम में हम देख रहे हैं, मतलब जो नए मिलेनियम में एक ट्रेंड देख रहे हैं कि और उल्टा जो है ये फॉल करती जा रही है, मतलब ये धीरे धीरे जो है उल्टा जो है वो कम होती जा रही है। नाउ अब ये जो कम हो रही है बेटा, अब ठीक है ऊपर से देखने से लगता है कि अरे यार ये तो कम हो रही है ये तो गलत है, पर इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है कि इसका मतलब ये भी है कि अधिकतर से अधिकतर अब जो लेडीज़ हैं वो जो है इमीडिएटली जल्दी छोटी उम्र में कोई छोटी मोटी नौकरी लेने की बजाय वो क्या करना चाह रही है कि वो अपनी एम्प्लॉयमेंट को पोस्टपोन कर रही हैं, ठीक है, कि हम बाद में नौकरी करेंगे, आज अपनी पहले एजुकेशन कंप्लीट कर लें। तो पहले अगर 16-17 साल की उम्र में या 18-19 साल की उम्र में ही कोई लड़की जो है छोटी मोटी नौकरी कर लेती थी, से सेल्स गर्ल बन गई है, कुछ भी बन गई है, तो अब वो कोशिश करती है कि मैं इनिशियली इतनी जल्दी कोई छोटी मोटी नौकरी लेने की बजाय उल्टा और जो है और अधिक और ज़्यादा पढ़ाई करूँ सो दैट कि मैं आगे जाके जो है अच्छी बेटर नौकरी ले पाऊँ। और इस जो फॉल है इसका एक बहुत बड़ा रीज़न एक्चुअली में ये है जो कि एक अगर ये जो कि एक बहुत पॉजिटिव है एंड लेट्स होप कि फ्यूचर में जो है फीमेल एम्प्लॉयमेंट भी बेटर हो सके, ठीक है ना। सो देयर इज़ अ प्रेफरेंस फॉर हायर एजुकेशन देन अर्ली एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। चलिए नाउ अब जो है ये देखने वाली बात है कि जो भी लेडीज़ हैं वो अधिकतर कहाँ पे एम्प्लॉयड है, ठीक है, क्योंकि ये मैं इसलिए आपको मैं ये डेटा दे रही हूँ क्योंकि जो है एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ है जो कि अभी हम आगे रीड भी करेंगे जिसमें कि वो ये स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि फीमेल जो है ज़्यादातर जो है सिर्फ लो पेड वैल्यूज़ में हैं, लो पेड एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स में हैं या बिल्कुल जिसमें कोई स्किल नहीं होता या बहुत ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो ये इसीलिए मैंने आपको ये डेटा दिखाया कि ऐसा नहीं है, कि अब जो है वो ट्रेंड चेंज होता जा रहा है रूरल सेक्टर में भी और अर्बन सेक्टर में भी। तो इसीलिए जो है बेटा मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि ना अपडेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो भी आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, मैंने आपको पहले भी बताया कि एनसीईआरटी बुक्स ऑलरेडी 5-7 साल पुरानी आउटडेटेड है और उसमें जो डेटा है वो और भी पुराना इन्फॉर्मेशन का है। तो आज के ज़माने में अगर आप 2004 का मतलब अगर आप डेटा के बेसिस पे कोई स्टडी कर रहे हैं तो दैट मीन्स आप ऑलरेडी जो है 20 साल पीछे चल रहे हैं। तो इसीलिए लेटेस्ट डेटा को अपडेटेड रखना, लेटेस्ट नॉलेज को रखना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए तो अगर हम लोग जो है ये माने ये एनएसएसओ का डेटा है तो उसके हिसाब से जो है अगर हम रूरल एरियाज़ में फीमेल्स का देखें तो ये जो ग्रे है एग्रीकल्चर सेक्टर। नाउ एग्रीकल्चर में सबसे काफ़ी कम जो है स्किल लगता है, तो एक टाइम पे मैक्सिमम फीमेल एम्प्लॉयमेंट जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में हुआ करती थी और मतलब 85% के आसपास, और बाकी जो है वो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में थी। पर अगर आप देखें तो इवन रूरल एरियाज़ में भी अब ये ट्रेंड चेंज हो रहा है एंड जो फीमेल्स हैं वो काफ़ी हद तक दूसरी एक्टिविटीज़, पर्टिकुलरली ये ब्लू वाला अगर आप देख रहे हैं, डार्क ब्लू वाला एरिया देख रहे हैं, तो ये बढ़ता जा रहा है, विच मीन्स कि सर्विसेज जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि हॉस्पिटैलिटी मतलब कुछ भी, जैसे कि आपकी यू नो वहाँ पे कोई छोटा मोटा होटल है या लॉज है या कुछ भी है, तो उन सब इंडस्ट्रीज़ में अब आ रही हैं, अब वो भी खेतों में काम जो है अवॉइड
कर रही हैं. तो दिस इज ट्रू ऑफ रूरल फीमेल्स एंड ये प्रोमिनेंट और भी ज़्यादा प्रोमिनेंट है इन द केस ऑफ अर्बन फीमेल्स. तो अर्बन एरियाज में अगर आप देखिए ये डेटा जो है 2017 का है, तो ये डेटा 2017 का डेटा है. तो 2017 तक आते आते आप देखिए अर्बन एरियाज़ में तो एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट कितनी कम रह गई है. मैन्युफैक्चरिंग में भी, फैक्ट्रियों में भी वो अब नहीं काम करना चाहती. तो बेसिकली जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ऑर्गेनाइज सेक्टर या एजुकेटेड सेक्टर या स्किल वाला जो सेक्टर है या जो मतलब जो सर्विसेज सेक्टर है, ठीक है, तो जैसे कि उसमें डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, यू नो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, तो लेडीज जो है अब अधिकतर से अधिकतर जो है सर्विस सेक्टर में आ रही हैं, ना कि एग्रीकल्चर सेक्टर में. तो ये मुझे लगा कि मुझे आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब जो है अब हम रीड करेंगे ये वाला टॉपिक, तो इसमें जो है थोड़ा सा एक नेगेटिव व्यू पॉइंट मिलता है जो कि मुझे नहीं लगा कि वो ठीक है. और मुझे लगा कि आपको जो है मैं अपडेटेड बताऊं और बताऊं कि नहीं, हमारे इंडिया में भी बहुत सारी लेडीज़ जो है बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज वर्क कर रही हैं. और आप जैसे कि आप ये पिक्चर्स भी देख सकते हो, तो इंडिया के कितने सारे जो है ओलंपिक के मेडल्स, बल्कि इनफैक्ट लगता है कि जैसे कि सारे मेडल जो है इन लेडीज़ ही जीत के जा रही हैं. और इनफैक्ट स्पेस में जाने वाली मैक्सिमम जो जो हमारे जो आउटर स्पेस की जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो सारे अधिकतर जो है हमारी इंडियन ओरिजिन में लेडीज ही रही हैं, जैसे कि कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स. ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं. जब एनीवेज अब हम एनसीईआरटी का ये एक्सट्रैक्ट जो है रीड करते हैं. एजुकेशन एंड स्किल आर द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट. कि किसी भी इंसान को कितनी अर्निंग होती है उसके जो मेजर डिटर्मिनेंट्स हैं, उसके जो मेजर जो डिटर्मिन करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो क्या है, उसका एजुकेशन और उसका स्किल. तो ये मैंने आपको पहले भी बताया कि सिर्फ एजुकेशन काफ़ी नहीं है बेटा, आपका जो स्किल लेवल है वो आपके एजुकेशन को मैच करना चाहिए. ठीक है, अ मेजॉरिटी ऑफ वुमेन हैव मीगर एजुकेशन. और ये मेरे को ठीक नहीं लगता, बट एनीवेज अब जो भी ये कह रहा है कि ज़्यादातर वुमेन के पास बहुत कम एजुकेशन है एंड बहुत लो स्किल फॉर्मेशन है. मतलब ये बहुत ही प्रेजुडिस्ड स्टेटमेंट है कि लेडीज़ के पास कम एजुकेशन और कम स्किल फॉर्मेशन है. इनफैक्ट स्किल भी कम है. इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो एक जो है एम्प्लॉयबिलिटी जो रिपोर्ट है, स्किल इंडिया की जो एम्प्लॉयबिलिटी रिपोर्ट है, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी दिखाई थी, जिसके हिसाब से जो है इंडिया में जो एम्प्लॉयबिलिटी फैक्टर है, मतलब कि कितने परसेंट बच्चे जो है जॉब लेने लायक हैं एजुकेशन के बाद भी, से ग्रेजुएट्स हैं, जो उसमें मैंने आपको दिखाया था 30%, 40%, तो उसमें एक और डेटा भी है जो कि मेल वर्सेस फीमेल का है, कि अगर वही ग्रेजुएशन जो है एक लेडी ने करी हुई और एक जेंट ने करी हुई, एक लड़के ने और लड़की ने करी हुई है, तो एम्प्लॉयबिलिटी किसकी ज़्यादा है. और उसमें स्पेसिफिकली दिखाया है कि लेडीज़ की उसी ग्रेजुएशन या उसी डिग्री पे एम्प्लॉयबिलिटी जो है ज़्यादा है, क्योंकि उनका स्किल लेवल ज़्यादा है. तो इसीलिए बेटा ये ना, ये जो ट्रेंड है ना, इकोनॉमिक्स में एक ट्रेंड हो गया कि हवा में कुछ भी बोलते रहो, तो ये एक्चुअली में बहुत गलत ट्रेंड है. और ये ही एक्चुअली में बाद में सेल्फ डिफीटिंग हो जाता है. जब आपको जॉब लेने जाते हैं तो आपको कुछ पता ही नहीं होता, आप भी कहानी हवा हवा में मारते रहते हो. तो ये बहुत गलत है, आपको यू नीड टू बी अपडेटेड, जिसके लिए आपको डेटा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ठीक है, तो आई डू नॉट एग्री विद दिस स्टेटमेंट कि मेजॉरिटी जो है उनकी बहुत कम एजुकेशन है और सारी की सारी जो है उनकी बहुत लो स्किल फॉर्मेशन है. नहीं, दिस इज नॉट ट्रू. एक टाइम पे था, बट अब ये ऐसा ट्रू नहीं है. वुमेन आर पेड लो कंपेयर टू मैन. हाँ, ये सही है. ये बहुत जगह प्रॉब्लम्स आती हैं, ये जो कंपेरिजन आता है कि बहुत जगह जो है उसी काम के लिए जो है आदमियों को ज़्यादा सैलरी दी जाती है और औरतों को कम सैलरी दी जाती है, जबकि औरतों से भी उतना ही काम लिया जाता है. मोस्ट वुमेन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज नॉट देयर. मोस्ट वुमेन जो है ज़्यादातर वहाँ पे काम करती हैं जहाँ पे कि जॉब सिक्योरिटी नहीं है, जैसे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर. नाउ अब धीरे धीरे जब वो सर्विसेज में आती जा रही हैं तो अब वहाँ पे अपने आप जॉब सिक्योरिटी बढ़ती जा रही है. ठीक है, वेरियस एक्टिविटीज रिलेटिंग टू लीगल प्रोटेक्शन इज मीगर. तो उनके पास जो है लीगल प्रोटेक्शन के लिए भी जो है पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, जबकि अब जो है काफ़ी सिचुएशन चेंज हो गई है. अब गवर्नमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा जो है लीगल प्रोटेक्शन भी फीमेल्स को दे रही है अगेंस्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ हैरेसमेंट. एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर इज करेक्टराइज बाई इररेगुलर एंड लो इनकम. तो अब इस तरह के जो सेक्टर्स हैं वहाँ पे जो इनकम होती है वो इररेगुलर भी होती है और लो भी होती है. इन दिस सेक्टर बेसिकली ये जो है अनऑर्गेनाइज, दिस जो बात कर रहे हैं इसने कभी कोई मेंशन तो नहीं करा कौन सा पर्टिकुलर सेक्टर है. तो एनीवेज जो भी कोई सेक्टर है, मतलब ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में बात कर रहा है जहाँ पे कि बहुत कम एजुकेटेड एजुकेशन की ज़रूरत होती है. देयर इज़ एन एब्सेंस ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक मेटर्निटी लीव,
चाइल्ड केयर एंड अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स, ये बेटा हर अनऑर्गेनाइज सेक्टर का हिस्सा होगा, हर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होगा कि जैसे कि सपोज करो कोई रेडी लगा रहा है या कुछ भी लगा रहा है या किसी और के दुकान पे काम कर रहा है, तो वहाँ पे यू डू नॉट ऑब्वियसली हैव प्रोविजन फॉर मेटर्निटी लीव या चाइल्ड केयर लीव या और कोई सोशल सिक्योरिटी सिस्टम जैसे कि कोई इंश्योरेंस या पेंशन वगैरह. However, women with high education and skill formation are paid at par with men. लेकिन जिन women की education high है और उनकी high skill है, उनको वही salary दी जाती है जो कि men को दी जाती है. Among the organized sector, teaching and medicine attract them the most. तो organized sector में maximum जो है teaching and medicine में जो है ladies जा रही हैं. Some women have entered administrative and other services including job that need high level of scientific and technological competence. और कुछ ladies जो हैं बहुत सारी administrative services में भी enter कर गई हैं और jobs में भी गई हैं जहाँ पे कि बहुत highly scientific and technological competence की requirement होती है. Now जो है बेटा some नहीं बल्कि आजकल काफ़ी ladies जो हैं इसमें जा रही हैं. इनफैक्ट अगर आप फॉलो कर रहे हो तो चंद्रयान 3 जो हमारा जो मून मिशन है हमारा, वो पूरा का पूरा इस बार जो टीम है वो लेडीज़ की ही टीम है. तो आप देखिए कितना हाई लेवल स्किल होगा उनका और कितनी हाई लेवल उनकी जो है एजुकेशन होगी कि पूरा का पूरा जो है इवन जो हमारा मार्स मिशन था वो पूरा का पूरा जो मिशन था वो अधिकतर जो है वुमेन के थ्रू ही जो है मैनेज था और वो उन्हीं ने प्लानिंग करी हुई थी. तो इसीलिए लेडीज़ आज बहुत अच्छी जगह पर जा रही हैं, बहुत हाई उनकी स्किल फॉर्मेशन हो रही है और इसीलिए जो है उनका एम्प्लॉयबिलिटी जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो भी कम होता जा रहा है क्योंकि वो अब चाहती हैं कि वो छोटी मोटी नौकरियां ना करें बल्कि जेंट्स के मुकाबले की हाई लेवल नौकरी करें. तो इसीलिए वो अपनी एम्प्लॉयमेंट को पोस्टपोन करके और अधिक से अधिक जो है एजुकेशन लेना चाह रही हैं और वो एक्चुअली में इंडिया के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं. तो अगर कोई ऐसी लेडी कुछ करना चाहती तो ये हमारा फर्ज बनता है कि जो है हम उसकी मदद करें. ठीक है, तो ये इनफैक्ट पेरेंट्स का भी फर्ज बनता है और ये सोसाइटी का भी फर्ज बनता है और तभी हम अपने देश की तरक्की कर पाएंगे क्योंकि हमारे जो है बहुत सारे जो मिशंस हैं पर्टिकुलरली स्पेस मिशंस जो हैं और बहुत सारे स्पोर्ट्स में जो मेडल्स हैं वो इन लेडीज़ की वजह से ही सक्सेसफुल हो पाए हैं. चलिए नाउ ये एक स्टेटमेंट है तो जो कि निर्मल सिंह जी जो कि चीफ कन्वेनर है इंडिया स्किल्स रिपोर्ट के, फाउंडर CEO और वी बॉक्स के, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी है. दिस वॉज पब्लिश इन द इकोनॉमिक टाइम्स. एज वी सेलिब्रेट इंडिया एट 75 इट इज इम्पेरेटिव नाउ दैट वी हार्नेस द डेमोग्राफिक डिविडेंड. अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अब जब इंडिया जो है 75th ईयर ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस बना रहा है तो हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड, बेटा डेमोग्राफी मतलब पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से जो हमारे को बेनिफिट मिल रहा है, बेनिफिट क्या मिल रहा है कि जो हमारा कंट्री जो है बहुत यंग कंट्री है, ठीक है, हम उसको जो है अब उसको इस्तेमाल में लाएँ. हार्नेस मतलब इस्तेमाल में लाएँ, उसको इस्तेमाल करें तरीके से. ठीक है, इसका मतलब इस्तेमाल तरीके से इस्तेमाल तो तभी कर पाएंगे जब हर एक को जो है हम अब अच्छी तरह से स्किल में स्किल डेवलप करवा के उनको अच्छी तरह से काम पे लगा पाएँ. द वर्ल्ड इज़ रैपिडली एजिंग. दुनिया में बाकी सारे लोग जो हैं वो एज कर रहे हैं, उनकी एज बढ़ती जा रही है, बट इंडिया जो है आज भी यंग है, जो कि मैंने आपको अभी भी बताया था, पहले भी बताया था कि इंडिया की जो एवरेज एज है पॉपुलेशन की वो 28 ईयर्स है. तो जिसमें कि अभी भी इसका मतलब काफ़ी साल हैं जो कि बहुत सालों तक जो है अब इंडिया जो है काफ़ी यंग रहेगा, एवरेज एज काफ़ी यंग रहेगी और हम लोग जो है काफ़ी पैदावार कर सकते हैं. इन द नेक्स्ट फ्यू डेकेड्स इंडिया विल बी अ टैलेंट पावर हाउस एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू द ग्लोबल वर्कफोर्स. तो आगे आने वाले कुछ सालों में इंडिया जो है टैलेंट का बहुत बड़ा पावर हाउस बनेगा और ग्लोबल वर्ल्ड की जो वर्कफोर्स है, वर्ल्ड की जो वर्किंग पॉपुलेशन है, उसका सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर बनेगा. इसके अलावा ही एडेड इफ इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड इज प्रोडक्टिवली लीवरेज्ड. अगर इंडिया का ये जो डेमोग्राफिक बेनिफिट जो है वो उसको तरीके से इस्तेमाल करा जाए, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स विल ब्राइटन. इंडिया के जो ग्रोथ के जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो बेटर होंगे. हेल्पिंग इट टू लीप फ्रॉग इट्स GDP. लीप फ्रॉग मतलब जैसे कि मेंढक उछल उछल के जाता है, उसी तरह से हमारा GDP भी एकदम उछल उछल के आगे बढ़ेगा फ्रॉम द करंट $3 trillion टू डबल बाई 2030. तो हम लोग कुछ सालों में, आज से 7-8 सालों में या 5-7 सालों में, हम अपनी जो GDP है उसको जो है डबल कर पाएंगे फ्रॉम 3 trillion टू ऑलमोस्ट 6-7 trillions.
Globally, the total workforce in science, technology, engineering and math. Now, globally, जो टोटल पूरे वर्ल्ड में जितनी भी वर्कफोर्स है उसमें से अगर हम पर्टिकुलरली स्टेम का एरिया देखें, स्टेम बेटे एक ना कंबाइंड, इट्स एन एक्रोनेम फॉर साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथ्स, इसमें जो है वो कह रहे हैं कि अगर ग्लोबली हम लोग देखें तो ग्लोबली भी इस एरिया में, स्टेम के एरिया में वुमेन हैव ओनली 28% रिप्रेजेंटेशन. तो सिर्फ 28% जॉब्स में और वुमेन लगी हुई हैं. अ सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स इंडीड, जो कि एक बहुत ही दुख वाली बात है. जबकि जो है अगर इन वुमेन चाहे, अगर उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाए, तो जैसे कि हमारे खुद के जो मार्स मिशन और चंद्रयान 3 ने प्रूव करके दिखाया कि अगर वुमेन को अपॉर्चुनिटी दी जाए तो वो स्टेम में भी, जो साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथ्स है, इसमें भी जो है वो काफ़ी अच्छा और आगे बढ़कर दिखा सकती हैं. ठीक है, तो चलिए, तो अब जो है हमारे को क्या करना है, इसीलिए जो है हमने बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है वुमेन एम्पावरमेंट की, उनको जो है प्रॉपर ट्रेनिंग देनी. और इसीलिए जो है मैं चाहती हूँ कि आज आप जो है रूमा देवी के बारे में और अधिक जानें. रूमा देवी जो है, मैंने आपको पहले भी बताया, इसका कई बार जिक्र भी मैं कर चुकी हूँ. आई वॉज़ वेरी लकी, वन टाइम मैं एक जगह एग्जिबिशन में गई थी, तो दिस इज़ मी एंड आई हैपन टू मीट रूमा देवी जी, एंड शी इज़ अ ब्रिलियंट वुमेन. इन्होंने जो है, अगर आपने फॉलो करा हो, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये KBC के भी एक एपिसोड में आई थी विद अमिताभ बच्चन एंड सोनाक्षी सिन्हा. इन्होंने जो है, शी इज़ अ सोशल एंटरप्रेन्योर फ्रॉम राजस्थान. इन्होंने जो है अपनी लाइफ की टफनेस के बावजूद भी हार नहीं मानी और जो है कुछ ऐसा कर दिखाया कि आज जो है ये 24-25 हज़ार राजस्थानी औरतों को नौकरी दे रही हैं. उनको जो है कढ़ाई का काम सिखाकर, पहले उन्होंने खुद सीखा और उससे जो है उन्होंने चादरें बनाकर और बहुत सारी चीज़ें बनाकर उन्हें बेचनी शुरू करी. और जब उनको लगा कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से हो सकता है और उनकी कमाई शुरू हुई, तो उन्होंने अपने साथ बहुत सारी और लेडीज़ को जोड़ती चली गई और एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर लिया. और आज इनके साथ अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन में 24-25 हज़ार लेडीज़ जुड़ी हुई है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है. तो आज मैं चाहती हूँ कि आप जो है इस महान लेडी के बारे में जो है और जानिए और समझिए. ठीक है, तो चलिए, विद दिस आवर चैप्टर एंड्स. एंड जो है बेटा, ये पूरा चैप्टर जो है खत्म हो जाता है. एंड आई रियली होप कि आपको जो है चैप्टर बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा. तो चलिए, वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, टिल वी डू समथिंग एल्स. तो तब तक आप पढ़ते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए. चलिए, बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ, बाय.